के ना कोई हमारा Now.
निवेदन करती हूँ नहीं भैया, आज मैंने देख लिया इस दुनिया में कोई नहीं। वासुदेव जी निवेदन करते हरे कंस, मान जा तुझे हमारे आठवें पुत्र से तकलीफ है ना, हम तेरे पास ही रहेंगे। ठीक, वसुदेव ने कहा कि जब हमें आठवां पुत्र होगा तो हम ला करके तुझे। देवताओं ने कहा वाह, अगर ये बात बन गई तो ब्रह्म के वरदान का क्या होगा। सबने जाकर योग माया से निवेदन किया, साधना किया, स्तुति की और देव ऋषि का आगमन हो गया है। महा देव ऋषि नारे जाते हैं नारायण नारायण। देव ऋषि नारद का आगमन होता है और कंस के नजदीक पहुंचते, क्या कर रहे हो। बोले कुछ नहीं, व्योमवाणी आकाशवाणी ने आठवें पुत्र से मृत्यु का भय बताया तो छोड़ दे रहा हूं, आठवां पुत्र ये मुझे दे देते। कहे आठवा, बोले हाँ। दिखाया दिखाया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोले हाँ जी। बोले इधर से चलो, तो पहला आत्मा और आत्मा विनाश काले विपरीत, पहले को आत्मा और आत्मा को पहला दर्शन। वो ले जाकर के कंस ने कारागार में बंद कर दिया है और जैसे जैसे उनके पुत्रों की संतान की उत्पत्ति होती है एक एक को मारने की प्रक्रिया, अवतार लेने की स्थिति है। बिना शक्ति के सृष्टि में कोई कार्य नहीं होता, योग माया से सबने मिलकर स्तुति की है। आप सारे लोग भी दो पल स्तुति करेंगे, पुनः कथा को आगे बढ़े। जय दुर्गे दुर्गति नाश की जय, जय महाकाल विनाश की जय। दुर्गे दुर्गति नाश की जय, जय महाकाल विनाश की जय। जय अश्वती माता की माता, भगवान के रोशन दीपाता। ओम देवी कर विजय, ओम देवी कर विजय, ओम देवी कर विजय।
आदि शक्ति की आराधना की है। श्री हरि को अवतार लेना है। श्री हरि आज फिर शेषनाग के पास पहुंच गए हैं। शेषनाग जिसे कहते हैं भैया द्वापर में अवतार लेना है, कहने लगे मैं अवतार लूंगा लेकिन अब की बार उल्टा होगा। रामा अवतार में आप बड़े थे मैं छोटा था, इस बार मैं बड़ा बन गया। इस बार शेषनाग जी ने बलराम के स्वरूप में रोहिणी के गर्भ से अवतार लिया और उनका नाम है बलराम। इस बार मैं बड़ा बनूंगा और आप छोटे बनेंगे। योग माया बिना शक्ति को की व्यवस्था गर्भ शंकर सनात तम बाहुम शंकर सनम बोलियो प्राणी तिलो करमराग बलम बलम जोचया। योग माया ने अपने लीला की और गर्भ को परिवर्तित। अब गर्भ परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो परमात्मा ने जो आपको दिया वो प्रसाद है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तब एक रावण की बात थी, अब हर घर में हमें रावण नजर आते हैं, कैसे सुन। हमारे देश के नेता रोज आकर कहते हैं किसानों की आत्महत्या बंद करो। मेरे भाई बहन, जब तक भारत की गौ हत्या नहीं बंद होगी तुम्हारी सात पीढ़ी गुजर जाए नेताओं, किसानों की आत्महत्या बंद नहीं होगी। इसलिए पहले गौ हत्या बंद करो। सात पुत्र की अगर हत्या होती है तो कृष्ण का अवतार होता है और हमारे सर्वे ग्लोबल सर्वे के हिसाब से भारत में हर एक मिनट में 900 भ्रूण हत्या होती है। तो कलयुग बैठा मारी कुंडली जाऊं मैं कहां जाऊं। बेटा है तो आने दो, बेटी है तो आपको पता है भारत में अगर कन्या नहीं होती, कौशल्या नहीं होती तो राम नहीं होते, देवकी नहीं तो श्याम नहीं होते। कन्या नहीं होती तो हम और आप नहीं होते, ना ही हमारे आपके बाप होते। इसी में लक्ष्मी बाई हो सकती है, इसी में प्रतभाताई हो सकती है, इसी में आदिशक्ति हो सकती है, इसी में ब्रजरानी राधा हो सकती है। लेकिन तो कलयुग बैठा मारी कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं। हर घर में है रामन बैठे इतने राम का सेवा नहीं करते हो, गौ सेवा नहीं करते हो
रुण हत्या में सहयोगी बनते हो तो आप रावण से कर लो। पूरे माँ बाप तरस रहे हैं, उनके घर घर में तलवार लटक रही है, जिनके घर में व्यवसाय है उन्हें बाप से बात करने के टाइम नहीं है, और जो गरीब है उनकी व्यवस्था ही नहीं। मेरा सर्वे है, पूरे भारत में मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च किए हैं, कई बार मुझे पढ़ा लिखा पूर्ण कहना पड़ता है लोगों को। काशी, वृंदावन, मथुरा, जितने बड़े तीर्थ स्थल है वहां पे जाकर के अगर हम देखते हैं, जितने भी वृद्धाश्रम में लोग मिलते हैं, साधारण और गरीब परिवार से 1 या 2% होते हैं। मुश्किल से गरीब परिवार से या साधारण परिवार से 2 या 5% लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं। फिर वृद्धाश्रम में रहते कौन? बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपतियों के माँ बाप, जिन्होंने कन्वेंट स्कूल की बहुएं ले आए, संस्कार नहीं सिखाया, ज्ञान नहीं सिखाया। किसी के 3 बेटे हैं, सारे नौकरी कर रहे हैं, खूब धन धनार्जन आ रहा है, लेकिन पूरे माँ बाप के लिए वक्त नहीं। उनके पास धन है, ऐसे लोग ही पाखंडियों को बढ़ावा देते हैं। पिताजी को रखना है, आज ये दुर्दशा हो गई है कि किसी भी आश्रम में जाओ, मैं बड़ा कड़वा बोलता हूँ महाराज, अगर एक गरीब आदमी आज जाए कहते मेरे बूढ़े माँ बाप को आश्रम रख लो, तो हरिद्वार में पहला सवाल होता है आप डोनेशन कितने लाख दोगे। जिस माँ बाप ने पाल पोष कर तुमने अधिकारी बनाया, जिसकी कमाई दौलत पर लोग करोड़पति बैठे हैं, उस घर में उस बूढ़े माँ बाप के लिए रोटी नहीं। इसलिए भागवत कथा अगर श्रवण किया है मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई लोग, तो अतिथि देव हो, मातृपित देव हो, सद्गुरु देव हो, आचार्य देव हो, माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, अच्छाइयों को जीवन में लाना, क्योंकि आगे चलकर आपको भी उसी सीढ़ी पे जाना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका कोई नहीं। इसलिए मैं कहूंगा आपसे, जय जय, हमने ऐसे ऐसे प्रमाण देखे हैं। आज यहां पर क्या हो रहा है, एक बूढ़ी मां, ये दृष्टांत फिर से रिपीट कर दूं, मुझे ऐसा लगता है, कथा कर रहे थे, एक माई आई, बोली मैया बाबा के पास आश्रम में बैठी है, हमारा आदत है लोगों को भोजन कराना, पहले बात में कर, कोई भी वस्तु आए सबको खिला देना, बच्चे तो खाना नहीं, हर हर महादेव, पेट भर जाते। दिगंबर नागाओं की यही दशा होती है। मैया आई, मैंने कहा मैया प्रसाद पा ले, बड़ी वृद्ध मूर्ति, कहती है बाबा आज मेरा उपास है। मैं कहा मां ना तो आज एकादशी है, ना शिवरात्रि है, ना कोई व्रत है, ना कोई तिथि है, ना कोई त्योहार है, फिर काहे का उपवास है। कहने लगी बाबा मेरे 2 बेटे हैं, 15 दिन का भोजन एक घर में करती हूँ और 15 दिन का भोजन दूसरे के घर में करती हूँ। बाबा आज 31 तारीख है, इसलिए आज का दिन उपवास है। क्या कहे हम ऐसे बच्चों को जो एक दिन की रोटी अपनी माँ को देते, सनातन रीति से प्रेम करने का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब हुआ ऐसे लाखों भागवत कथा करना। 15 दिन एक के घर में रोटी खा रही बूढ़ी माँ, 15 दिन दूसरे के घर में खा रही है, आज 31 तारीख है तो उपवास। एक दिन आप भी वृद्ध होंगे तो बिना किए फल ना मिले, किया न मिथा जाए, और तुलसी बिरवा पान के जो सींचे सो, जैसे आप करोगे हम लोगों के जैसे, जो ऐसी दुआ मांगो कि एक दिन हमने ऊपर वाले से दुआ मांगी थी, एक दिन हमने ऊपर वाले से दुआ मांगी थी, और दुआ में कुछ और नहीं अपनी ही मौत मांगी थी। एक दिन दुआ में हमने
ऊपर वाले से दुआ मांगी थी, दुआ में कुछ और नहीं अपनी मौत मांगी थी। ऊपर वाले ने कहा तेरी दुआ कबूल है, ब्रह्मांड कोई मौत दे ही देता। तेरी दुआ कबूल है, मैं तुझे मौत दे ही देता, पर उन हजार माताओं को क्या जवाब दूं जिन्होंने हर सांस में तेरे लिए जिंदगी की दुआ मांगी थी। ये भाव बनाकर जीव हर माँ के बेटे बन जाओ तो भागवत कथा श्रवण का आनंद है, नहीं राधे राधे धन भाग्य याद है याद है। संकल्प करो, प्रीत करो, ऐसी करो जैसे लोटा डोल गला फसाए आप लोग पाए की लोटा। मुसाफिर आता है, डोरी उठाता है, लोटे के गले को फंसाता है, पानी कोई और पीता है, गला लोटे का फंसता है, फिर भी उसकी तृप्ति हो जाती है कि मैं किसी के काम आ गया। ये जीवन जीना सीखना पड़ता है। कंस के यहाँ वसुदेव गुरु को अंदर कर दिया है, ईश्वरीय कृपा से गर्व होता है, प्रथम पुत्र आने वाला है। जैसे बच्चे की किलकारी गूंजती है, दुष्ट कंस आता है, बच्चे को छीनता है, आकाश मार्ग में देखता है, नीचे से बल्ला लगा देता है उसका प्राण। द्वितीय तृतीय पुत्रों की हत्या होती है। आज अचानक भ्रमण करते हुए इनके कुलगुरु गर्गाचार्य का आगमन होता है। यदि वंशियों के गुरु गर्गाचार्य का आगमन होता है, वसुदेव रुदन करते हैं, अरे महाराज आप तो संत हो भगवंत हो, कुछ तो करो कि मेरे कुल का दीपक बच जाए। मैंने सुना है कि अगर गुरु साधना करे तो शिष्य बहुत पार हो जाता है, और अगर शिष्य साधना करे तो गुरु का नाम अमर हो जाता है। गर्गाचार्य ने कहा महाराज आप चिंता छोड़ो, चिंतन करो, हम आपके लिए साधना करेंगे। बिंद पर्वत पर जाकर के गर्गाचार्य ने कृष्ण की सुरक्षा के लिए योग माया की साधना करी, और वहां स्वयंभू प्राकट हुई देवी, जिसे हम बिंदवासिनी माँ के नाम से जानते हैं। बोले आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा उत्पन्न हुई बिंदवासिनी। द्वितीय तृतीय पुत्रों का मारता गया है, बाकी अंतिम घड़ी आ रही है, भगवान की स्तुति करने की घड़ी आ रही है। सारे लोग कहते हैं कि भाई भगवान आएंगे, त्राहि त्राहि मच रही। आप गौर करिएगा कि जिस समय आप यहाँ कथा श्रवण या कुछ करते हो तो यहाँ का वातावरण अपने आप बदल जाता है। आज आप यहाँ बैठे हो तो बड़ा सुंदर लग रहा है, सवेरे आओगे तो कुछ अलग लगेगा। इसीलिए 24 घंटे के 12 भाव माने गए हैं। खैर ये ज्योतिषियों का विषय है, 24 घंटे के 12 भाव, भाव बदलता है। साधना कब करनी है, कथा कब करनी है, स्नान कब करना, इसका नियम। अगर 11:56 से 12:10 के बीच का साधना है तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, अभिजीत योग है, पुष्य नक्षत्र है, ये सब देखे जाते हैं। नक्षत्र ग्रह वार तिथि ये सब देख करके कथाएं, अगर इसके बिना हम कथा करें तो बेथाव आ जाएगी, बाधाएं पैदा। भगवान के अवतार की घड़ी आने वाली है तो सारी रिद्धि सिद्धियां सब आ रही चारों तरफ से। भगवान के अवतार की स्थिति है। आज योग माया ने प्रार्थना सुनी है, ब्रज मंडल में एक कन्या का जन्म होगा और आज मथुरा में एक पुत्र का जन्म। ये सब माया प्रभु की लीला है। प्रभु ने हमेशा अपने भक्तों के हित के लिए अनेक रूप धारण किए हैं। कह प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान ना टलते। भगवान के जन्म की स्थिति द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठक और सातवें।